अब हम देखते हैं इन द लास्ट पार्ट कि हम करें क्या, ठीक है जी, हम करें क्या, हम वही अपनी फिगर ज़रा बना लेते हैं कि द लाइफ सस्टेनिंग फोर्सेस इन द सॉइल, द प्लांट इटसेल्फ, द एयर, द वाटर, और क्या था, एयर वाटर सॉइल प्लांट एंड द स्पीशीज विच आर अराउंड इट, दरख्त एज अ सिंबल, दरख्त एज अ सिंबल ऑफ इकोसिस्टम है ना, दरख्त कोई एक चीज़ तो नहीं है, इसके नीचे इट्स टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीशीज, सन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अब ये देखें कि हम क्या करें, और हमने इसके ड्राइविंग फोर्सेस भी देख ली, वन लैक ऑफ नॉलेज, टू कमर्शियल फोर्सेस, मनी की ग्रीड, लालच, थ्री अर्बनाइजेशन, ठीक। अब हम इन्हीं चीज़ों को एड्रेस करना है। पहली तो बात यह है कि हम जितना इल्म अवेलेबल है उस पर अमल करें, ठीक है ना, उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो उल्टा हुज्जत है। तो मैं एक किताब पढ़ लूँ, ठीक है, टेस्ट के लिए, जिसको कहते हैं हज़ नफ्स के लिए पढ़ ली, लेकिन मैं उस किताब का कुछ हिस्सा जाके इम्प्लीमेंट करूँ तो गोया कि मैंने फ़ायदा उठाया। तो लिहाजा एक तो अपना जितना नॉलेज है उस पर अमल करें, एक्ट, वरना नहीं फायदा। इंफॉर्मेशन, हीप ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कुरान में जैसे मिसाल दी हुई है ना, कमासल हिमार, ऐसे है जैसे गधे पर किताबें लाद दी, क्या फायदा। अनफॉर्चुनेटली हमारी साइंस भी इज ड्रिवन बाय हु इज पेइंग बजट, इज नॉट ड्रिवन बाय के व्हाट मेक्स सेंस। दूसरा, अपनी पर्सनल लाइफ के जो चॉइसेस हैं उसमें इज इट पॉसिबल कि हम कमर्शियली ड्रिवन की बजाय देखें कि मेरी ज़रूरत क्या है। एग्जैक्टली, इन व्हाट आई ईट, हमने इस पर डिटेल में बात की फूड रूल्स पे, इन हाउ आई ट्रैवल, इन व्हाट आई यूज द यूटिलिटीज, मैं इनमें अच्छा खासा कट डाउन कर सकता हूँ, ठीक है, बाय गेटिंग लोकल, बाय गेटिंग व्हाट आई नीड, बाय गेटिंग नॉट द जंक फूड, ट्रैवल में मैं अच्छा खासा काम कर सकता हूँ। इज़ इट पॉसिबल कि मैं तीन चक्कर लगाने की बजाय मार्केट के मैं शाम को इकट्ठे ही जाऊँगा, तीनों चीज़ें ले आऊँगा, या जब चार बंदों ने जाना है तो वो इकट्ठे चले जाएँ, या मैं छोटी गाड़ी, मुझे ज़रूरत ही है, दो बंदे सुबह जाते हैं मियाँ बीवी दफ्तर एंड कम बैक, तो हमने क्यों 3000 cc की गाड़ी क्यों रखी हुई, शो मारने के लिए, रियाकारी। तो वन ऑफ देम जो इंसान की वो है ना रियाकारी, कि मेरा स्टेटस उसके साथ कनेक्टेड है, तो उसको अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ पे अपनी ईटिंग, अपनी ट्रैवलिंग, अपनी यूज़, अपनी इंपल्सिव बाइंग, यार ये ख़रीद ही लेते हैं, उसकी बजाय हम अपनी लिस्ट बना के उसके हिसाब से क्यों नहीं चलते, यार मुझे इन चीज़ की ज़रूरत है, इसके बगैर गुजारा नहीं होता, ठीक, और वो चीज़ जाके लें, नॉट बिकॉज वी हैव मनी, जस्ट बिकॉज वी डोंट नीड इट। मैं एक बड़े साइंटिस्ट का पढ़ रहा था, तो वो कह रहा था कि ये जो मेरा बेड है, ये किसी ज़माने में मेरा डाइनिंग टेबल था, और ये फलानी चीज़ है, ये किसी ज़माने में मेरी चेयर थी, उसी को रीयूज कर रहे हैं, नॉट दैट ही कांट अफोर्ड, बिकॉज ही नोज दैट द इकोसिस्टम इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय द थिंग्स आई एम नीडलेसली कंज्यूमिंग। इसमें अगर सबसे देखें तो फूड इज वन क्रिमिनल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक्स इज वन क्रिमिनल इंडस्ट्री, ठीक है, क्रिमिनल से मुराद के मतलब उन्होंने इनंडेट करना ही करना है, हम एमिंग यूज करी जा रहे हैं, लाइक कोई टॉयज, इतने पता नहीं 68 बिलियन डॉलर की कितनी इंडस्ट्री बनी हुई, क्या एक टॉय खरीदने में द काइंड ऑफ थिंग्स आर यूज, हम कोई रीयूजेबल या उससे कोई इंटरेस्टिंग अल्टरनेटिव नहीं दे सकते, समझ आ गया। तो इनमें अगर हम अपने मिनिमलिस्ट नहीं बनते, द की वर्ड इज कुलू वशरबू वला तसरफ, मिनिमल पे गुजारा करो, इस्तेमाल करो चीज़ें ना कि एक्सप्लॉयट करो, तो मिनिमलिज्म, सादगी, दूसरे लफ्ज़ों में कनात का जो उलट, कनात जो है ना इसका, सादगी से ज़िंदगी गुजारना,
ऑन वन थिंग. सिस्टम के लेवल पे ये हो सकता है कि मसलन अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है तो कैसे जिंदगी एफिशिएंट हो सकती है. एक ट्रेन या एक बस सिस्टम जो 2000 बंदों को लेके जा रहा होता है उसके लिए 2000 गाड़ियां जाएंगी और उनमें एक एक सीट फिल्ड होगी. समझ आ गई आपको बात. तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट मसलन अब हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे इट इज द मिनिमलिज्म और छोटे से सिस्टम के लेवल पे हुकूमत के लेवल पे सोसाइटी के लेवल पे क्या हमें अपने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम ठीक नहीं करने चाहिए. क्या हमें अपने जैसे हमने कहा था कि सॉइल हम पॉइजन कर रहे हैं तो हमें अपनी फर्टिलाइजर नेचुरल की तरफ नहीं आना चाहिए बायो फर्टिलाइजर की तरफ. क्या हमें अपनी मिक्स्ड फार्मिंग नहीं करनी चाहिए बजाय इसके कि हम एक ही क्रॉप बार बार उगाते रहें और ज़मीन रिप्लेनिश हो ही ना सके क्योंकि ज़मीन ने अपने नाइट्रोजन भी पूरा करना है फिर अपनी कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स करनी है फिर अपनी ऑक्सीजन को भी ठीक करना है फिर अपने अंदर वाले कीड़े मकोड़े और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सस्टेन रहेंगे तो ज़मीन चलेगी. तो हम जब एक ही करते रहते हैं कमाद ही गढ़ते रहते हैं और कमाद में आपको पता है 70,000 पाकिस्तानी रुपीज़ का एक एकड़ की पेस्टिसाइड लगती है तो उसका हशर क्या हो जाता होगा. मे बी चीनी हमें बाहर से मंगाना ज़्यादा सस्ता पड़ता हो. तो क्या हम वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारी उस तरह हैं सेंसिबल. इट्स जस्ट बींग सेंसिबल एंड यानी कि माइंडफुल लिविंग. ये इसको अगर एक लफ्ज़ में करें तो इट वुड बी माइंडफुल लिविंग. लेकिन वो मुझे कुछ अवेयरनेस हो उस माइंडफुल लिविंग की. वो जैसे आता है ना कि आप वला तुफसिदु फिल अर्दि बादा इस्लाहिहा आप ज़मीन में फसाद ना फैलाते. ये फसाद है. ये लेवल है जो हम इज्तमाई लेवल पे कर सकते हैं. मस्जिदें भी ये बात बताएं लेकिन अब अगर मस्जिद वाला खुद ही अवेयर नहीं है या टीचर खुद अवेयर नहीं है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को खुद नहीं पता. वन फर्टिलाइजर्स पानी हमारा जो यूज़ है द वे वी ईट एंड ड्रिंक. ठीक तो ये चीज़ें हमें सिस्टम्स बनाना जहाँ पे इंडिविजुअल्स की कॉस्ट फिर कम हो और शेयर्ड यूटिलिटीज़ हों काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. फिर ये है कि सोच को यहाँ तक ना रखा जाए सोच को इससे बड़ा किया जाए कि जो कुछ मैं यहाँ कर रहा हूँ मैं खाम खाम में जो 10 पटाखे बच्चे को कह रहा हूँ कि तुम फटाओ इट हैज़ ए कॉस्ट टू द एनवायरनमेंट. तो कहीं ना कहीं उसका असर होगा. ओवरऑल एनवायरनमेंट इज ऑल कनेक्टेड. तो नतीजे क्या निकले फॉर समिट अप. एग्जैक्टली माइंडफुली और बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए. वेस्टेज जो है ना चाहे एक टूटी एक छोटी छोटी ड्रिप कर रही है ना दैट ड्रिप आई शुड बी माइंडफुल ऑफ. मेरे कमरे में एक बल्ब एंड आई एम लीविंग वहाँ पे दरवाज़ा खोलने जा रहा हूँ वापस आता हूँ आई स्विच इट ऑफ. हम अब दुबई में सऊदी अरब में कतर में जाते हैं तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ए सी ही चल रहे होते पार्किंग लॉट्स में भी चल रहे होते. चले ठीक है गर्मी भी होती है बात लेकिन बता वो कहते हैं कि हमें परवाह नहीं क्योंकि बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ फैंस. वो नहीं है लेकिन ओवरऑल इन द प्लानट यूर खेलेंगे समझा रियाकारी. गाड़ी वो लें जो हमारे काम की विच इज़ फ्रॉम मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी इंस्टेड ऑफ ये कि लोग क्या कहेंगे. लोग क्या कहेंगे ड्रिवन्स मेंटालिटी की बजाय मैं जो कर रहा हूँ उसका मेरा फुटप्रिंट कितना होगा. फिर दूसरी बात यह है कि मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई केम इन दिस वर्ल्ड आई यूटिलाइज द ऑक्सीजन एंड रिसोर्सेज क्या मैं वो पे बैक करके जा रहा हूँ. एम आई प्लांटिंग सोशल फॉरेस्ट्री कि आप जिस भी चीज़ में हैं आप अपनी उस इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द कुछ प्लांट्स लगाएं. द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एग्रो फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री. वंगारी मठाई मोर देन 50 मिलियन ट्रीज. ग्रीटा थुनबर्ग पूरी दुनिया में तकरीबन है वो हालांकि शी इज़ जस्ट अ गर्ल करती फिर रही है कि व्हाट आर यू डूइंग. आप कार्बन के फुटप्रिंट्स के लिए जो आपने 10 साल के टारगेट्स दिए हुए हैं वो 10 साल में मीट नहीं होने वाले एंड यू आर जस्ट डूइंग द लिप सर्विस. ठीक है और रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स पे अल्टीमेटली आती है बट इंडिविजुअली व्हाट वी कैन डू इज बी मिनिमलिस्ट एंड वेस्ट नथिंग. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह.